गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपण इथं तुम्हाला थोडंसं एक मोटिवेट करण्याच्या हिशेबाने तुमच्या या ब्रिज कोर्सचं तुमच्या येणाऱ्या ज्या एक्झाम्स आहेत नीटची एक्झाम त्याच्या तयारीसाठी थोडंसं मोटिवेटेड राहण्यासाठी आणि थोड्याशा गाईडलाईनसाठी म्हणून आम्ही इथं जमा झालो. मी रघु सर, तुमचा बायोलॉजीचा टीचर. भार्गव सरांना तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहिलंच असेल. भार्गव सर जे तुमचा फिजिक्स विषय घेतात आणि सत्येंद्र सर जे तुमचा केमिस्ट्री हा विषय घेतात. तर आम्ही नीटची एक आमची ही टीम आहे जे की फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी हे तीन सब्जेक्ट आम्ही शिकवतो. आणि तुमचं जे डॉक्टर बनण्याचं स्वप्न आहे, या डॉक्टर तुमच्या डॉक्टर बनण्याच्या स्वप्नाला कम्प्लीट करण्यासाठी आम्ही तिघही तुमच्यासोबत असू. तर थोड्याशा तिघही फॅकल्टी आम्ही आज तुमच्यासोबत काही बेसिक गोष्टी शेअर करणार आहोत. मी सबसे पहिले भार्गव सर से पूछना चाहूंगा कि बच्चों के लाइफ में या आने वाले जो उनकी नीट की एग्जाम है उस बारे में उनका फिजिक्स का ये ब्रिज कोर्स है, इसका इम्पोर्टेंस क्या रहेगा, ये थोड़ा सा बच्चों के साथ आप सर शेयर कीजिएगा प्लीज. बिल्कुल, जैसा कि हमारे सर बायोलॉजी वाले सर रघु सर ने पूछा कि इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिज कोर्स इन आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, ठीक है ना, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा. पहली बात तो ये है कि ये हमारे जो दिशा अकेडमी इंस्टीट्यूट है इसका ये एक यूनिक फीचर है कि हम लोग बेटा जो 10th to 11th स्टूडेंट मूव करते हैं उनके लिए बेटा जैसे ही वो 10th से 11th स्टैंडर्ड में आते हैं तो एक हम लोगों ने एक स्पेशली डिजाइन किया हुआ एक कोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज कोर्स, ठीक है ना बेटा. तो ये ब्रिज कोर्स में एक्चुअली क्या होता है बेटा, जो 10th स्टैंडर्ड तक आप लोगों ने स्टडी की हुई है उसको सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टडी कराते हैं ताकि 9th-10th तक जो आपने स्टडी की है उसका हम यूज कर पाए इन फ्यूचर, मतलब 11th और 12th में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर पाए. तो जैसे कि मैं अगर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में बेटा जैसे कि हम लोगों ने देखा बेसिक मैथ्स डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि जो बच्चे बायोलॉजी लेते हैं उनको जब वो फिजिक्स सॉल्व करते हैं तो बेटा फिजिक्स में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चे फेस करते हैं जो कि, तो उसमें जैसे कि अपना छोटी छोटी कैलकुलेशन प्रॉब्लम आती है, ट्रिग्नोमेट्री जैसे हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, वेक्टर हुआ, तो कुछ टूल्स यूज होते हैं जो फिजिक्स को सॉल्व करते समय काम में आते हैं. तो वो बेटा जो बेसिक मैथ्स जो है, जो छोटी छोटी बातें हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड, वो हम लोग स्टूडेंट को 45 डेज का एक कोर्स करवाते हैं जिसको बोलते हैं ब्रिज कोर्स. उस ब्रिज कोर्स का जो फोकस होता है वो इसी के ऊपर होता है कि इन फ्यूचर जब बच्चे सब्जेक्ट को सॉल्व करें तो वो किसी टाइप की प्रॉब्लम को फेस ना करें और आसानी से जो क्वेश्चंस है वो आसानी से सॉल्व हो पाए. तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी हम लोग बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो फ्यूचर में यूज होने वाला है. वेक्टर, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि वेक्टर तो फिजिक्स की जान है, तो वेक्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम देते हैं जिसमें हम लोग वेक्टर में डायरेक्शन से एसोसिएटेड बातें करते हैं, ये डायरेक्शन कैसे फिजिक्स में यूज होती है. तो इस तरह से जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड भी और जैसे डायरेक्शन से रिलेटेड भी, वो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट में. तो ये ब्रिज कोर्स का मेन फोकस है. सरांनी आता तुम्हाला सांगितलं की एक बेसिक थोडक्यात सांगितलं की बाबा फिजिक्सचं काय, कारण तुम्ही बायो घेतलं याची कारण दोनच असतील मुळांना. एक पहिलं कारण असेल एक तर तुमचं डॉक्टर बनण्याचं स्वप्न आहे, किंवा तुमचं दुसरं रिझन असेल ते म्हणजे तुम्हाला मॅथ जमत नाही. आणि जर तुम्हाला मॅथ सारखा विषय मॅथ जर अवघड जात असेल तर अल्टिमेटली कुठंतरी तुम्हाला ते फिजिक्समध्ये डिफिकल्ट येतं, कारण की तो कॅल्क्युलेशनचा भाग आहे. मग तुमचा तो कॅल्क्युलेशनचा भाग फास्ट करण्यासाठी, रॅपिड करण्यासाठी जे लागणारं बेसिक आहे ते सर्व बेसिक तुम्हाला याच्यामध्ये कव्हर करून घेतलं जाईल असं सरांनी आता तुमच्यासोबत शेअर केलं. आता माझ्या बाजूला सत्येंद्र सर बसलेत, सत्येंद्र सर बैठे हैं जो हमें केमिस्ट्री का इम्पॉर्टन्स थोड़ा सा ब्रिज कोर्स में बच्चों के फ्यूचर में कैसे उसको फायदा होगा ये चीजें आपके साथ शेयर करेंगे. गुड मॉर्निंग, जो सर ने बताया था उसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में बताओ कितना इम्पोर्टेंस होता है. केमिस्ट्री जो स्टार्ट करें हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं. सम बेसिक कॉन्सेप्ट तीनों केमिस्ट्री हम यूज, तीन टाइप केमिस्ट्री होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादातर मैथ यूज होता है, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट हम जितना मैथमेटिक चीजें यूज होती है जैसे डायमेंशन हुआ, लॉग हुआ, और जो उनको कन्वर्जन होते हैं उनको कन्वर्ट करके हम लोग इसमें सीखते हैं, उसमें पूरे ही यूज होता है पूरी टोटली चीजें. इसके बाद कैसे हम लोग तैयारी कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग अलग से डीपीबीस बनाई है डेली प्रैक्टिस के लिए, और अलग से मटेरियल दिया है, और हम लोगों ने अलग से ग्रुप बनाया है. जो भी डाउट तुम लोग जो भी डाउट हो कभी भी एनी टाइम आप पूछ सकते हो केमिस्ट्री 1 कोई भी, कैसी प्रॉब्लम हो किसी टाइप की,
कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो. आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो, डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, तो भगवान रूप बनने के लिए आप मेहनत करो. जितना आप मेहनत करोगे एनर्जी होगी. अगर आपके अंदर एनर्जी है, अगर आप एनर्जी रखते हो, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर बन जाओगे. मैं तो बोल देता हूँ बेस्ट ऑफ लक, ज्वाइन करिए. थैंक यू. आता सर ने तुमच्यासोबत शेअर केलं की बाबा डॉक्टर हे एक देवाचं रूप आहे आणि त्याच्यासाठी मेहनत करणं गरजेचं आहे आणि त्या दृष्टीनं केमिस्ट्रीचे जे काही बेसिक कन्सेप्ट आहे, जसं सरांनी सांगितलं त्यामध्ये एक सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, त्याला मोल कन्सेप्ट असं हे एक काही पुस्तकात नाव आहे, त्यानंतर पिरियॉडिक टेबल, हे काही तुमचे जे बेसिक रिलेटेड कन्सेप्ट आहेत ते तुम्हाला शेअर केले जातील या ब्रिज कोर्समध्ये, जेणेकरून तुम्हाला एक केमिस्ट्रीची तोंड ओळख, राईट, किंवा एक केमिस्ट्रीचा बेस आपण जर पाया म्हणूया तो तुमचा तिथे नक्की पक्का केला जाईल. आता मी रघु सर, मी तुम्हाला थोडंसं बायोलॉजीचं इम्पॉर्टन्स ब्रिज कोर्स मधलं सांगेन. हा सब्जेक्ट 360 मार्काचा म्हणजे 50% वेटेज या सब्जेक्टला आहे. मुलांसाठी हा सब्जेक्ट सोपा, राईट, अंडरस्टँडिंग आणि इंटरेस्टिंग असा असतो, पण याला स्कोर करणंही तितकंच डिफिकल्ट जातं, कारण याला काही स्किल लागतात, राईट. तर त्या स्किल डेव्हलप करण्यासाठी थोडासा त्या दृष्टीने आपल्याला प्रयत्न करण्यासाठी हा 45 दिवसाचा कालावधी उत्तम असेल, कारण यात तुम्हाला एमसीक्यू कसे सॉल्व्ह करायचे हा सर्वात मोठा जो प्रश्न आहे तो प्रश्न आपल्या इथे सॉल्व्ह केला जाईल. त्यामुळं करत असताना तुम्हाला ज्या नोट्स दिल्या जात आहेत, ज्या असाइनमेंट शेअर केल्या जात आहेत, या तुम्ही डेली सॉल्व्ह करा, त्याचा तुम्हाला फायदा होईल. आणि मी ब्रिज कोर्स मध्ये तुम्हाला जो आपण सिलेबस डिझाईन केला आहे आपल्या दिशाचा, या दिशाच्या सिलेबस मध्ये आपण 11वी आणि 12वीचा पूर्ण सिलेबस मी इन्क्लूड केला आहे. एक दोन युनिट सोडले तर 8 युनिट इन्क्लूड आहेत आणि 8 युनिट मधले सर्व टॉपिकचा एक बेसिक हिंट किंवा त्याचं एक टर्मिनॉलॉजी मी तुम्हाला इंट्रोडक्शन करून बाजूला निघणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला त्याचा येणाऱ्या 11वी 12वीच्या सिलेबस मध्ये निघायचं हे वाटू नये की अरे हे मी कधीच शिकलो नाही. कारण एखादी संकट येणार आहे जर माहीत असेल तर त्या संकटाचा सामना करण्याची ताकद जास्त येते. सेम त्याच वेळी तुम्हाला आम्ही तिघही जण, फिजिक्सचे भार्गव सर असतील, केमिस्ट्रीचे सत्येंद्र सर असेल आणि बायोचा मी असेल, आम्ही तिघही पुढे जे तुमच्या आयुष्यात नीट नावाचं जे एक वादळ येणार आहे याच्यासाठी जे काही बेसिक तयारी आहे, म्हणजे तलवार असेल, त्याला धार लावणं असेल, मॅन असेल, अंगावरची चिलखत असेल, ह्या सर्व गोष्टी प्रोव्हाइड करण्याचं काम, त्या सर्व गोष्टी तुम्हाला देण्याचं काम आम्ही तुमच्यासोबत नक्कीच करूयात. आता त्यानंतर सेकंड थोडस मी नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आ जाता हूं की एक बऱ्याच मुलांचं मी पाहिलं की ग्रुप होती एक मेसेज होतोय हाऊ टू स्टडी आयदर मे बी फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो. तो मैं भार्गव सर से सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि फिजिक्स का एग्जैक्टली आप ब्रिज कोर्स के 45 डेज के सेशन में बच्चों ने फिजिक्स का स्टडी कैसे करना चाहिए, ये थोड़ा सा हिंट आप सर बच्चों के साथ. बिल्कुल, ये सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है रघु सर ने कि पढ़ना कैसे. अभी हमको जैसे अभी जो लॉकडाउन चल रहा है बेटा, तो इसमें आप लोग उसके साथ वीडियो डेली बेसिस पे शेयर किए जा रहे हैं, तो स्टूडेंट के सभी के मन में एक डाउट आ रहा है कि हमको कैसे स्टडी करना चाहिए, ठीक है ना. अगर आप एकेडमी में होते तो प्रॉपर 1-to-1 अभी गाइडेंस चलता, लेकिन अपने को ये मालूम होना चाहिए कि बेटा अपने को अगर वीडियो दिया जा रहा है तो एक्चुअल में स्टडी कैसे करना है. तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि सबसे पहले तो आपको जो वीडियो गिवन है, मतलब डे वाइज जो आपको वीडियो अपलोड किया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है, उस वीडियो को केयरफुली आपको सुनना है, समझना है, ठीक है, और उसके नोट्स प्रिपेयर करना है, शॉर्ट नोट प्रिपेयर. जैसे आप क्लास में प्रिपेयर करते हो, आप यही सपोज कीजिए कि आप क्लास में बैठे हुए हो और सर 1-to-1 आपको आमने सामने बैठ के आपको स्टडी करा रहे हैं, ठीक है ना बेटा. तो आपको पहले तो समझना है और वीडियो को पॉज करके उसके शॉर्ट नोट जो भी सर ने बताया, जैसे मैं डेफिनेशन वगैरह लिखवा देता हूं तो उसको नोट डाउन करना है, फॉर्मूले वगैरह सब कुछ नोट डाउन कर लेना है अच्छे से एक फेयर कॉपी बना के. तो और उसके बाद में बेटा, तो ये तो फर्स्ट काम हो गया, अपने वीडियो देखा, उसके नोट्स प्रिपेयर किए, फिर उसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि बेटा सभी चीजें आप देखोगे तो मैक्सिमम चीजें आप थोड़ी नहीं पाओगे और नहीं होना भी चाहिए, तभी तो डिफरेंशिएशन आएगा ना बेटा, डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि अपन कुछ नया क्या सीख रहे हैं. तो एक चीज माइंडसेट करना पड़ेगा कि अभी जो आपको पढ़ाया जाएगा वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नया होगा, ठीक है, और उसके लिए माइंडसेट बहुत जरूरी है. तो बेटा माइंडसेट करके उसको अपने को पढ़ना है, शॉर्ट नोट बनाना है, और बनाने के बाद उनको डेली बेसिस पे डेली रिवाइज करना है,
और जो भी आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है, जैसे कि मैं आपको असाइनमेंट देते ही हूँ, अपलोड करता हूँ अपने जो दिशा अकेडमी का ऐप है उसमें अपलोड करते हैं, और अपना व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें भी अपलोड किया जाता है, उस असाइनमेंट को अपने को डेली बेसिस पे जो आपको टाइम दिया जा रहा है उस विद इन टाइम आपको उसको सॉल्व करना है। जैसे मान लो मैंने बोला कि 20th तक अपने को असाइनमेंट 2 सॉल्व करना है, तो उसको करना ही है। आप ये समझो कि आप अकेडमी में एडमिशन लिए हुए हो और वहीं पे बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो वो टाइम से अपने को एक सॉल्व करना है, ठीक है ना बेटा। और जो भी उससे रिलेटेड डाउट है इसमें कोई हेजिटेशन नहीं करना है, छोटी से छोटी कोई भी डाउट आता है तो हम पूरी टीम आपके लिए बिल्कुल सपोर्ट में बैठे हुए हैं। आप कभी भी अपने ग्रुप में या दिशा अकेडमी का जो ऐप है उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को डालिए, ठीक है, लिख के डालेंगे, अपना लिखने के बाद फोटो खींच के आप अपलोड कीजिए, बिल्कुल हम उसको 24 आवर आपको डाउट बताने के लिए तैयार है, ठीक है सर। थैंक यू सर। सर ने एक सिंपल वर्ड में बताया कि करना क्या है। सबसे पहले आप केयरफुली कॉन्सेंट्रेशन से वीडियो देखो, साथ में उसके साथ उसके नोट्स निकालो, उसे रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद उसके एमसीक्यू जो असाइनमेंट दी हो सॉल्व करो, और जो असाइनमेंट सॉल्व नहीं हो रही है उसे आप डाउट सेशन के सेक्शन में सर से पूछ लो। एक सिंपल एक 5 स्टेप की ये प्रोसेस है, तो आप इसे फॉलो करोगे तो जरूर इसका आपको फायदा होगा। मैं आप थोड़ा सा सत्येंद्र सर से पूछना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट का प्रिपरेशन थोड़ा सा बच्चों ने ब्रिज कोर्स के टाइम पे कैसा करना चाहिए, प्लीज। केमिस्ट्री के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो को देखिए बार बार, भले समझ नहीं आ रहा फिर से देखियो, उनमें जो समझना वो डाउट में पूछ सकते हो, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है डीपी भी दी जाएगी, मटेरियल जो भी दिया जाएगा उस पर क्वेश्चन करिए। फिर अगर नहीं आ रहा है फिर से उसको वीडियो को देखो, अगर वीडियो से भी नहीं समझ में आया फिर से डाउट में पूछ सकते हो, और बार बार क्वेश्चन में 150 आपको दूंगा, उन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करो, धीमे धीमे क्वेश्चन आएंगे। पहले क्वेश्चन से सपोज करो नहीं आया, क्यों, उसके बारे में आपको बहुत चीजें नहीं पता होंगी, केमिस्ट्री कोरिलेट होती है हर चैप्टर से, या तो कोई क्वेश्चन आपने किया सम बेसिक कॉन्सेप्ट वो रिलेशन आगे रिएक्शन से इनऑर्गेनिक में हो सकता है उससे रिलेट हो सकता है वो क्वेश्चन अगले कॉन्सेप्ट में सीखोगे, तो धीमे भले घबराने की जरूरत नहीं, धीमे धीमे क्वेश्चन करिए, कोई प्रॉब्लम आए मुझसे पूछिए। ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश मराठी जो भी जिस भाषा में तुम्हें देसी भाषा जो भी आपको समझ में पूछ सकते हो ग्रुप में सीधे वो मराठी में भी लिख के भेज सकते हो, ऐसा नहीं मुझे इंग्लिश में पूछना, ऐसा कुछ नहीं, आप जिस भाषा में जो आपको समझ में आती है उससे पूछ सकते हो क्वेश्चन ग्रुप में, जो भी क्वेश्चन जिस टाइप का डाउट हो क्वेश्चंस पूछो, क्वेश्चंस करिए रोज, जितने क्वेश्चंस का आप करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और अच्छे से वो मटेरियल जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो के द्वारा अलग से दूंगा क्वेश्चन से, उन क्वेश्चनों को रिवाइज करके उसके लिए अलग से शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाइए, वो शॉर्ट नोट्स आगे आपके लिए काम आएगा। जैसे कि अभी सर ने बताया बहुत अच्छी बात बताई कि अपने को जो मटेरियल दिया जा रहा है उस मटेरियल का यूज करना है ना, उसको अपने को स्टडी करना है और उसको सॉल्व भी करना है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपको करना है। दूसरी बात बेटा, लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अपनी मन की बात बोलना है टीचर से, आपको जो भी लैंग्वेज अच्छी लग रही है सूटेबल, मराठी अच्छी लग रही है, इंग्लिश अच्छी लग रही है, हिंदी या मिक्स अच्छी लग रही है, आपको बस उसमें डाउट पूछना है, इसमें लैंग्वेज से कोई हेजिटेशन नहीं है, इससे आप बिल्कुल टेंशन फ्री लीजिए, ठीक है ना सर। ये बहुत अच्छी संदर्भ। अब इसमें बेटा बायो के बारे में मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। बायो में सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज, वीडियो बहुत केयरफुली और बहुत कॉन्सेंट्रेशन से देखिए, वीडियो आप अच्छी तरह से देखोगे तो उसे समझ पाओगे। वीडियो से एक बार आपने कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया तो उसके बाद सेकंड स्टेज है आपको उसे लर्न करना है, खुद को याद होना चाहिए, तो खुद उसे पहले लर्न करो, अल्टीमेटली जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे वो नोट्स रीडो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको जो नोट्स बायो के मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो नोट्स आपको एनसीईआरटी के बुक के जेरोक्स है, सिर्फ मैं उसमें से उतना ही मटेरियल उठा रहा हूँ जितना मुझे लगता है कि ब्रिज कोर्स में देना चाहिए, या मैं जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो मटेरियल एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी के बुक का है, तो उससे एक फायदा आपको ये होगा कि आपको एनसीईआरटी के बुक की लैंग्वेज समझ में आएगी, तो ये बेनिफिट आपको बहुत अच्छी तरह से होगा। तो वो बुक को रोटो, उस बुक को बार बार थोड़ा सा पढ़ते रहो, उसमें कोई वर्ड है उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो मीनिंग जरूर पूछने का, जो भी ग्रुप पे हो या पर्सनली हमें थोड़ा सा कॉल भी आप कर सकते हो, अगर आपको लगा कि नहीं भाई मेरा डाउट बहुत ही छोटा सा है तो मैं सर को ग्रुप पे पूछूंगी तो सब क्या कहेंगे, तो फिर हमें थोड़ा सा पर्सनली आप शेयर करो जरूर। अगर आपको भार्गव सर का या सत्येंद्र सर का नंबर चाहिए तो मेरा नंबर मैक्सिमम सब बच्चों के पास है, तो सीधा मुझे बोल दो सर मुझे डाउट पूछना है, मैं दोनों ही सर के नंबर आपको शेयर कर दूंगा, तो उससे ही हमें फायदा होगा कि अल्टीमेटली
आपका जो भी ड्रीम है वो ड्रीम कंप्लीट करना है, और हम तीनों का एक सीधा सिंपल नेचर है कि भाई जो भी करना है बच्चे के लिए करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बायो पढ़ा रहा हूं मतलब मैं ये करूंगा, सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं मतलब सर फिजिक्स का ये करेंगे, सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं मतलब नहीं। हम हमारे सब्जेक्ट में अल्टीमेटली जो भी नॉलेज है वो तो शेयर करेंगे ही, लेकिन आपको जो बाकी जो प्रॉब्लम आएंगे जैसे कि आपका भाई चलो पढ़ाई कैसे करनी है, बाद में सर मुझे ये समझ में नहीं आता है कैलकुलेशन का है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में हो फिजिक्स में हो बायो में कैलकुलेशन ज्यादा नहीं आता है, तो वो बेसिक मैथ से रिलेटेड कंसेप्ट हो तो ये, या लैंग्वेज बैरियर हो जैसे मैं मराठी इंग्लिश पढ़ाता हूँ, भार्गव सर और सत्येंद्र सर हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो अल्टीमेटली सर के साथ आपको कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक तो आप सामने नहीं हो, तो हमें ये भी पता नहीं है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम पढ़ा रहे हैं इमेजिन करके आगे, मतलब जैसे आपके लिए एक्सपेरिमेंट है वैसा हमारे लिए भी एक्सपेरिमेंट है कि हमें इमेजिन करने पड़ रहा है कि बच्चे बैठा है आगे कैसे समझेगा। तो थोड़ा सा इसमें यह होगा आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, अगर आप आपका प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करोगे तो 101% हम तीनों की तरफ से एक भी ऐसी चीज नहीं होगी कि आपका वो डाउट सॉल्व नहीं हुआ, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायो का हो, या चाहे वो रिलेटेड एनी अदर इश्यू हो। जैसे आपका, मैं सीधा बोल देता हूं, आपको पर्सनल प्रॉब्लम है, आपका हेल्थ इश्यू है, आपका स्टडी रिलेटेड इश्यू है, चाहे जो भी है सिंपल सी चीज है, आप सिर्फ हम तीनों में से किसी भी एक के साथ कनेक्ट हो जाइए, आपको 101% उसका सॉल्यूशन देने की जो भी जिम्मेदारी होगी हम वो तीनों कंप्लीट करेंगे। डॉक्टर बनना जैसे आपका सपना है वैसे आपको डॉक्टर बनाना हम तीनों का और हम दिशा का भी सपना है, तो हमें यही करना है कि हमें साथ मिलकर चलना है। पढ़ाई आपको नहीं करनी है, पढ़ाई आपको हमारे साथ बैठ के करनी है, और हम साथ बैठ के करेंगे। हमारा बेनिफिट थोड़ा सा ये होता है, हर क्लास में हम 40-50 बच्चों का एक बैच होता है, तो अल्टीमेटली हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा जाएगा। जैसे अदर जगह आप कहीं पे गए तो वहां पे 150-200 बच्चे भरे पड़े हुए हैं, उसमें पता नहीं टीचर को पीछे वाले बैंच पे कौन बैठा है, आगे वाले पे कौन बैठा है, होमवर्क किया है नहीं किया है, कोई चेक नहीं कर रहा है। हमारा इंडिविजुअल हम तीनों का भी ये रिकॉर्ड होता है कि भाई जो भी बच्चों को काम किया है वो पर्सनली चेक किया जाए, चाहे हमें थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा टाइम भी बढ़ाना पड़े, लेक्चर का एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े, लेकिन हम उसमें ये करते हैं कि बच्चों को जो काम दिया है बच्चे ने ठीक से ढंग से किया है, और हम उसके साथ चल के उसका हर एक पहलू, हर एक उसका डाउट, हर एक उसकी प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व करके 101% आपका सपना और हम सबका सपना हम कंप्लीट करेंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको जिस तरीके से अभी हमारे लेक्चर अंडरस्टैंड हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, इससे भी बेटर तरीके से आपके साथ आने की जिम्मेदारी हम सब की होगी, और हम सब आपके साथ रहेंगे। और आप इसके लिए, आपको अगर ये साथ रहना है, अगर आपको ये फैसिलिटी करनी है, तो एक सिंपल सी चीज आप सबको करनी पड़ेगी। हम तीनों भी फैकल्टी की तरफ से एक सिंपल सी रिक्वेस्ट होगी कि भाई आप एडमिशन ले लो, हमारे साथ आप जुड़ जाओ, ताकि हम आपका सपना पूरा करने में हम जितना भी हमारी तरफ से हो उतना हम हमारी लगन, हमारी एनर्जी और हमारा मन देंगे, और 100% आपका सपना पूरा करेंगे। थैंक यू।